तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। IRCTC को लेकर रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट अपडेट समय आते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते कल के दिन ये शेयर्स अगेन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। बात करें IRCTC की तो आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर लगभग 1% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह है कि शेयर्स के अंदर बाइंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि खरीदारों की लाइन लग चुकी है। चलिए उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन खरीदारों की लाइन क्यों लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अगस्त 2023 आज ही के दिन हमें ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें IRCTC इनिशिएट्स प्रोसेस टू अप्लाई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस होता क्या है। तो आप नॉर्मली किसी भी UPI का यूज़ करते हैं, लाइक गूगल पे का, फ़ोन पे का, Paytm का। तो इन सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए इन कंपनियों को एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिस लाइसेंस को कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो क्या IRCTC भी अपना UPI लॉन्च करने वाली है, अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च करने वाली है? तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC बहुत जल्दी अपना पेमेंट गेटवे लेकर आ रही है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे और सारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा पाएंगे। IRCTC के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीमा कुमार, उनकी तरफ से आज के दिन ये स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं द रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइसेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पास में अप्लाई करना पड़ता है, जिसको आज के दिन यहाँ पर IRCTC के थ्रू अप्लाई किया गया है। अब बात करें कि उसका नाम क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो पेमेंट प्रोसेस का यहाँ पर नाम हमें देखने को मिल रहा है इस पेमेंट गेटवे का, उसका नाम रहेगा IPay, अंडर अ सेपरेट सब्सिडरी एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द लाइसेंस। तो यहाँ पर IPay नाम रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, IRCTC को इसका क्यों बेनिफिट मिलेगा ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। IRCTC के अगर यूजर्स की बात करें तो चलिए अपडेटेड नंबर्स में आपको यहां पर बताता हूं, IRCTC के पर मंथ जो नंबर ऑफ टिकट्स बुक होते हैं वो है 5 लाख। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशंस की बात करें तो हर दिन 18,000 से ज्यादा न्यू यूजर्स IRCTC के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशंस करते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा हमें इनके एक्टिव यूजर्स देखने को मिलते हैं। और टोटल यूजर बेस की बात करें जिन्होंने IRCTC के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो है 3.9 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ यूजर्स। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। IRCTC के थ्रू अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो अभी के टाइम पर जो आपको पेमेंट है वो या तो आप UPI के थ्रू करते हैं, या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। मोस्टली अब जो यहाँ पर पेमेंट होता है वो हमें UPI के थ्रू देखने को मिलता है। लेकिन आप IRCTC का पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं करते हैं, आप करते हैं गूगल पे, Paytm या फिर दूसरे गेटवे यूज़ करते हैं, और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर AC क्लासेस की बात करें, यानी कि AC क्लासेस की अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो उस पर आपको 20 रुपीज़ सर्विस चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर हम सेकंड सीटिंग क्लास की बात करें तो 10 रुपये आपको सर्विस चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब IRCTC का अगर खुद का पेमेंट गेटवे आ जाएगा तो ये जो सर्विस चार्जेस है ये तो रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सर्विस चार्जेस का बेनिफिट डायरेक्ट किसको मिलेगा? IRCTC को मिलेगा, क्योंकि IRCTC का खुद का पेमेंट गेटवे है और उनको कस्टमर्स को लाना नहीं पड़ेगा। उनके पास ऑलरेडी जो 4 करोड़ कस्टमर्स हैं जिन्होंने IRCTC के ऊपर रजिस्ट्रेशंस कर रखा है, वो अल्टीमेटली हमें IPay पर, यानी कि IRCTC के पेमेंट गेटवे के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार न्यूज हमें ये आते हुए देखने को मिल रही है। अब बात करें कि IPay के अंदर हमें और क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे योर वे विद IRCTC, IPay क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड, ऑटो पे का सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। काफ़ी शानदार न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिल रही है। जब भी हम किसी स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। और IRCTC के बारे में भी अगर बात करें तो कंपनी पूरी तरीके से मोनोपोली का बिजनेस करती है, इसके चलते यहाँ पर हमें काफ़ी ब्राइट फ्यूचर इस कंपनी का देखने को मिलता है। और अगर टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो शेयर्स पूरी तरीके से मिड रेंज में देखने को मिल रहा है।
डे वाइज अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आज के दिन हमें काफी अच्छी बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, और इस शेयर्स का जो 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो भी आज के दिन हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि अब IRCTC के अंदर हमें कुछ अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, और शेयर्स का जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है 680 रुपए का, उसकी तरफ शेयर्स अब हमें मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। IRCTC के अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, इंडियन रेलवेज का पूरा बिजनेस हमें IRCTC के पास देखने को मिलता है। 51,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ROC ROE परसेंटेज देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। 62% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 700 करोड़ से भी ज़्यादा पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो हमें IRCTC के पास में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो 84 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर टोटल कर्ज है, जिसका अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.03% का है। बहुत ही मिनिमम डेप्ट यहां पर देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट कंपनी हमें डेप्ट फ्री देखने को मिलती है। वहीं अगर हम IRCTC के ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 993 करोड़ रुपए के ईयरली प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ अगर हम IRCTC के कुछ और प्रोस की बात करें, यानी कि कुछ और इनके स्ट्रेंथ की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेब्ट फ्री देखने को मिलती है। काफ़ी गुड क्वार्टर रिजल्ट कंपनी मेंटेन करते हुए आ रही है। अगर इसकी पिछले 5 साल के CAGR ग्रोथ की बात करी जाए तो लगभग 34.9% की CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ROCE की बात करें, जिससे शेयर होल्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो भी हमें पिछले 3 साल का 34% का देखने को मिल रहा है। अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स पसंद है तो IRCTC आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग तो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली रही है, साथ ही साथ डिविडेंड पेआउट रेशियो भी कंपनी काफ़ी अच्छी मेंटेन करती हुई आ रही है। डेटर डेज की बात करें तो वो भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर IRCTC के मेनली कस्टमर्स की बात करी जाए तो इनके कस्टमर्स रहते हैं इनके पैसेंजर्स, तो यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट की हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। कॉन्स की बात करना भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर कंपनी के कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है, तो ये कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। और स्टॉक अभी 20 times हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है इसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, फिर भी फेयर वैल्यू हमें अभी देखने को मिल रही है। तो यदि आपने IRCTC के अंदर निवेश कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो करेक्ट 8:30 पर यानी कि 8:30 बजे लाइव होने वाली है। उसकी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाए तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 8:30 पर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।